माँ आज फिर खाना जला दिया। लड़की मैं क्या करूँ अम्मी, मैं हूँ ही इतनी क्यूट कि मुझे देखकर खाना भी जल जाता है। बाबा जी फरमाते हैं कि मोमिन वो है जिसका मोबाइल फोन सारे घर वाले इस्तेमाल कर सकते हैं। सुनो, क्या शुरू से ही पागल हो या फिर वक्तन फवक्तन दौरे पड़ते हैं? लखनऊ का एक नवाब लाहौर में आया और एक बच्चे से रास्ता पूछने के लिए रुका। नवाब, हजूर एक तकलीफ देनी थी आपको। बच्चा, तू तकलीफ दे के ते दिखा, सालिया तेरिया टंगा ना तोड़ देवा ता फेर कहीं। एक लड़का इम्तिहान में एक लड़की के पेपर से नकल मार रहा था कि निगरान ने देख लिया और उसे उठाकर दूर बिठा दिया। जब उस लड़के को कुछ और ना सूझा तो उसने सवाल के आखिर में लिख दिया कि जवाब का बकिया हिस्सा बजी शबाना के पेपर में मुलायजा फरमाएं। एक गिलास ठंडा पानी लें और उसे करीब बैठे हुए शख्स पर डाल दें, वो ठंडा पानी उसे गर्म कर देगा और वो उठकर आपको ठंडा कर देगा। जुबैदा आपा का जान लेवा टोटका। एक लेडी डॉक्टर ने नया नया क्लिनिक खोला। थोड़ी देर के बाद एक आदमी आया तो लेडी डॉक्टर ने खुद को मसरूफ दिखाने के लिए फोन का रिसीवर उठाया और काफी देर लगे रहने के बाद बोली, जी फरमाइए, क्या मसला है आपका? वो आदमी बोला कि मैडम, मैं PTCL से आया हूँ, अगर आपकी बात खत्म हो गई हो तो कनेक्शन एक्टिव कर दूं। कुछ लड़कियां घर से इतने बड़े बड़े हैंड बैग लेकर निकलती हैं जैसे पड़ोसी की मुर्गी उठाने जा रही हूँ। शादी तो किसी एक से ही करूँगा, वो सका तो किसी नेक से करूँगा, लेकिन जब तक वो नेक दिल मिलती नहीं, ट्राई तो हर एक पे करूँगा। किसी ने मौलवी साहब से सवाल किया कि मौलवी साहब, अगर बेगम मेकअप करके पूछे कि मैं कैसी लग रही हूँ तो क्या झूठ बोलना जायज है? तो मौलवी साहब बोले कि शरई हुक्म तो ये है कि खुद को हलाकत में ना डालो, आगे फिर आपकी अपनी मर्जी है। मैं चप्पल चोरों से तंग आकर अब मस्जिद में नंगे पैर ही जाता हूँ। हाँ, अलबत्ता वापसी पर जूते जरूर पहन लेता हूँ ताकि लोग ये ना समझें कि मेरी चप्पल चोरी हो गई है। इंग्लिश माँ, गुड नाइट डियर। हिंदुस्तानी माँ, शुभ रात्रि बेटा। पंजाबी माँ, सो जा कुत्ते, मोबाइल दा खेड़ा छड़ दे, रख दे अपने प्यो नू, फोन वाली माँ नाल सवेरे गल कर लई। एक आदमी सारा दिन अपना निकाह नामा उल्टा सीधा करके देखता रहा। आखिरकार उसकी बीवी ने तंग आकर पूछा कि ये आप क्या कर रहे हैं? तो शौर बोला कि मैं इसकी एक्सपायरी डेट ढूंढ रहा हूँ, कम बखत मिलती ही नहीं। बीवी, आपकी सफेद रंग वाली शर्ट मुझसे जल गई है, सॉरी। शौर, अरे कोई बात नहीं, मेरे पास वैसी ही एक और शर्ट भी मौजूद है। बीवी, और आपको पता है मैंने उसी में से कपड़ा काट कर उसमें लगा भी दिया है। चीनी रोक के और पत्ती ठोक के ऐसी चाय पीने वालों को वतन की काली घटाएं सलाम कहती हैं। जो मजाक करे उससे मजाक करो और जो मजाक उड़ाए तो उसे ही उड़ा दो। बाबा जी फरमाते हैं कि मर्द मिर्च की तरह तेज होता है, मगर मिर्च जितनी भी तेज हो औरत उसका अचार डाल ही देती है। नजूमी औरत का हाथ देखते हुए बोला कि तुम्हारा शौहर कत्ल हो जाएगा। औरत बोली, वो तो मुझे भी पता है, तुम बस ये बताओ कि मैं पकड़ी तो नहीं जाऊंगी। एक आदमी मेडिकल स्टोर पर गया और बोला कि मुझे जहर चाहिए। मेडिकल स्टोर वाला, मैं आपको उस वक्त तक जहर नहीं दे सकता जब तक आपके पास इजाजत नामा ना हो। तो उस आदमी ने उसे अपने दो निकाह नामे दिखाए
तो मेडिकल स्टोर वाला बोला के पप्पू पुत्र वड्डी बोतल दे पाइनू। आपकी दिन में कितनी बार बेइज्जती होती है कमेंट करके जरूर बताना। खैर अपना तो मंथली पैकेज लगा हुआ है। कुमारे हजरात के लिए ना चांद रहेगा ना सितारे रहेंगे, क्या सारी जिंदगी हम कुमारे ही रहेंगे। रोज होते हैं हजारों निकाह इस दुनिया में, क्या हमारी किस्मत में सिर्फ चुवारे ही रहेंगे। तारीख गवाह है कि जब भी बहन भाइयों के साथ लूडो खेली उसका इख्तिताम एक दूसरे को थप्पड़ मारने और बाल खींचने पर ही हुआ, और आखिर में अम्मी की तरफ से बिला तफरी को इम्तियाज सबको जूतियां भी मारी गईं। बाबा जी कहते हैं कि एक आदमी हाथ धोकर एक औरत के पीछे पड़ा था, औरत ने मुंह धोकर दिखाया, तब जाकर कहीं मामला रफा दफा हुआ। टीचर पप्पू से, पप्पू बेटा ये बताओ कि हमारे लिए चांद ज्यादा अहम है या फिर सूरज। पप्पू सर चांद। टीचर वो कैसे। पप्पू क्योंकि सर चांद रात को निकलता है और हमें रोशनी देता है और हमारी रहनुमाई करता है, जबकि सूरज तो दिन को निकलता है और दिन को तो वैसे ही रोशनी होती है। तारीख गवाह है कि जब भी किसी खातून की लंबे और घने बालों की तारीफ की जाए तो जवाब मिलता है हाय अब तो आधे भी नहीं रहे पहले देखने थे। जब भी कोई आपको फिटे मुंह बोले तो अंदर ही अंदर खुद को तसल्ली दे लिया करें कि शायद फिट है मुंह कहा होगा। आज मैंने 10 मिनट में 7 किलोमीटर दौड़ लगाई, पता नहीं लोग अपना कुत्ता बांध कर क्यों नहीं रखते। पाकिस्तान में सिफारिश इतनी आम हो चुकी है कि अगर 1 किलो गोश्त भी लेना हो तो बड़ा भाई आवाज देकर कहता है कि मेरा नाम लेना अच्छा देगा। जंग पर जाने से पहले बादशाह ने अपनी खूबसूरत बीवी को कमरे में बंद करके ताला लगा दिया और चाबी अपने एक अजीज दोस्त के हवाले करते हुए कहा कि अगर मैं 4 दिन तक ना लौटा तो ताला खोल लेना और वो तुम्हारी। बादशाह घोड़े पर सवार होकर चल पड़ा। करीब आधे घंटे के बाद ही बादशाह को पीछे से गर्दो गुबार और आवाज सुनाई दी, तो बादशाह रुक गया और देखा कि उसका वही दोस्त तेजी से आ रहा है, तो बादशाह ने उससे पूछा कि क्या हुआ, तो दोस्त ने सांस भरते हुए कहा कि बादशाह सलामत ये चाबी गलत है।